हेलो फ्रेंड्स, कहिए कैसे हैं आप। चलिए आज हम आपको ले चलते हैं गुजराती खाने की तरफ। गुजराती खाने के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि मैं किस डिश की बात कर रही हूँ। यस, हाँ जी, ढोकले की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर आज हम आपको ढोकला बनाना सिखाएंगे, ढोकले की रेसिपी बताएंगे। ढोकला एक ऐसी डिश है, ये ना सिर्फ आजकल गुजरात में ही बनता है बल्कि इसको सभी लोग खाना पसंद करते हैं। बच्चे से लेकर बड़ों तक सभी इसको लाइट फूड होता है ये है, तो सभी इसको खाना पसंद करते हैं। तो जैसा कि कुछ लोग वेट लूज करने की प्लानिंग से चलते हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी डिश है क्योंकि इसमें बहुत कम ऑयल या रिफाइंड यूज होता है, तो ना ही ये फास्ट फूड में आता है, इसलिए इसे सभी लाइक करते हैं। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। ढोकला बनाने के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले जो कि इसका सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, 2 कटोरी यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, 1 कटोरी रवा जिसको सूजी बोलते हैं हम, 2 चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल, विदाउट स्मेलिंग ऑयल लेना है हमने यहाँ पर, और 1 पाउच हमने इनो का लेना है। इसको एक बाउल में डालकर हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 बाउल दही का भी लिया है, ये सिंपल घर पर जमाते हैं जो हम दही वही है। सबसे पहले मैं इसमें 1 बाउल के अंदर बेसन को डालूंगी, सूजी मिक्स, इसे मिक्स करते हुए ये नमक डाल रही हूं मैं, 1 चम्मच यहां पर नमक लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। 2 चम्मच मैंने यहां पर चीनी ली है, ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहां पर रिफाइंड ऑयल इसके अंदर मैं डाल रही हूं, और 1 बाउल कर्ड, इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूंगी। इसमें साथ साथ ऐसे कर, तो ये सारे मैंने इंग्रेडिएंट्स यहां पर मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसको मिक्स कर लूंगी। यहाँ पर सिंपल मैंने आरओ वाटर दिया है, इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम चलाते जाएंगे ताकि इसमें लम्स ना पड़े। इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी हम डालते जाएंगे और इसको इस तरह से चलाते जाएंगे, और ध्यान रखिए कि इसको एक ही डायरेक्शन में चलाना है, इस तरह से। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो इसमें थोड़ी सी चुटकी भर हम हल्दी भी डाल सकते हैं, अगर आप लाइक करते हो तो डाल सकते हैं, यहाँ पर वैसे मैंने नहीं डाला है। इसको लगभग 10 से 15 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में इस तरह से चलाते रहना है ताकि इसमें जो सूजी डाली है वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो यहाँ पर हमें 10 से 15 मिनट हो गए हैं इसे लगातार चलाते हुए, और ये इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से, इस तरह से इसका ये फ्लो रहेगा। इसमें अब 1 पाउच यहाँ पर मैं इनो डाल रही हूँ, और लगभग 2 चम्मच यहाँ पर पानी और डालकर इसको थोड़ा सा और चलाएंगे। इनो डालने से जो सूजी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से फूल जाएगी और हमारा जो ढोकला है वो बहुत ही स्पंजी बनेगा।
अब हमारा ये बैटर बेक करने के लिए रेडी हो चुका है। यहाँ पर एक मैंने बाउल पहले से ग्रीस करके रखा है ऑयल से, तो अब बेक करने के लिए मैं ये जो ये बॉल है इसके अंदर डाल दूंगी। अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे ओवन में। ये बॉल इसके अंदर डालकर अब इसे हम टैप कर लेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एयर बबल्स होंगे वो सारे निकल जाएंगे। और अब हम इसे ओवन में रखने जा रहे हैं। अब इसको हम ओवन में बेक करने के लिए रख देंगे। यहाँ पर मैंने 6 मिनट की टाइमिंग सेट कर दी है और 6 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे। मिनट हो चुके हैं, इसे हम खोल कर देख लेंगे कि हमारा ढोकला अच्छी सी बेक हो गया है या नहीं। इसको पिक करके एक बार देख लेंगे इस तरह से। अगर हमारा स्पून साफ आ रहा है तो इसका मतलब ये अच्छे से रेडी हो गया है हमारा ढोकला। यहाँ पर हमारा ढोकला अच्छे से अब बेक हो गया है, देखिए कितना स्पंजी बना है ये। अब इसको ठंडा होने के लिए थोड़ी देर रख देते हैं और इतनी देर में हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डाल लिया है, ये गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़े से राई के दाने इसमें डाल दूंगी मैं। थोड़ी सी हरी कटी हुई मिर्च, धीमी आंच पर हम इसे पका लेंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, लगभग 1 गिलास पानी हमने यहाँ पर यूज किया है, और थोड़ी सी चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच चीनी डाली है इसमें। बस इसको उबाल आने के बाद हम बंद कर देंगे। गैस की फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। हमारा यहाँ पर तड़का शिकवंजी तैयार हो गई है उस पे डालने के लिए ढोकले के ऊपर। अब ढोकले को मैंने यहाँ पर ठंडा करके पीसेस में कट कर लिया है और ये हमारा तड़का शिकवंजी वाला रेडी हो गया है। इसको हम इस तरह से इसके ऊपर डाल देंगे। ये जो सारा पानी है सूजी, इसको सारा सोख लेगी अच्छी तरह से। इसको हम ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देंगे 10-15 मिनट, फिर इसका अच्छा टेस्ट आएगा। अब हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है, बिल्कुल खाने के लिए एकदम से रेडी। आप हमारी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा और ढोकले को एंजॉय करिएगा।